मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बाअदब अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड्स हकीम इत्तेफाक हुसैन। कैसे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त? अल्लाह सलामत रखे, जीते रहें। मेरी दुआएं तमाम मेम्बरान के साथ, अल्लाह कोई गम ना दे और अल्लाह पाक आपको दुश्मनों की नज़रों से हमेशा दूर रखे और अल्लाह पाक आपके घराना जो है हमेशा हंसता बसता रहे और अल्लाह पाक आपका साया, जितने मेरे चैनल के मेम्बरान हैं, आपका साया आपकी फैमिली पर कायम और दायम रहे, जो सरबराह हैं, मेन मेम्बरान हैं जो घर के। और दोस्तों, अल्लाह पाक गैब के ख़जाने से आपको रिस्क अता फरमाए। फजर का टाइम है, मैं आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ, अभी नमाज़ पढ़नी है। तो दोस्तों, दुआ फ़कीर रहम अल्लाह, कुछ टाइम कोई घड़ी ऐसी होती है जो अल्लाह पाक सुन लेते हैं और बेड़ा पार हो जाता है। मेरा रब ताला किसी की भी सुन सकते हैं। मेरे भाई, आज एक नुस्खा आपकी नज़र है, और उससे पहले जो मेम्बरान हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब करें। हक सच की बात, ये चैनल आप दोस्तों के लिए बनाए, इस पर बड़ी मेहनत हो रही है, और तबीबा साहिबा भी हमारे साथ हैं। और आपसे गुजारिश मैं ये करता हूँ, उनके हौसले अफजाई के लिए वीडियो लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि उनको पता लगे हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे जो बहन भाइयाँ हमारा साथ दे रहे हैं, कदम बाई कदम चल रहे हैं, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोग आए यहाँ पर, जी हमें फलाने भेजा, हमें फलाने भेजा। तो दोस्तों, ये नेकी में हिस्सा मिलाने का एक ज़रिया है। आपको पता है कि कौन सी नेकी रब ताला की आपको पसंद आ जाए और आपके अगले पिछले जितने भी हैं खताएँ गुनाहें अल्लाह रब ताला माफ़ फरमा दे। एक बिल्ली थी, पानी में भीग रही थी, और एक औरत जिनके किरदार अच्छे नहीं थे, मैं खुल के बात नहीं करना चाहता, तो वो जो है उसको बारिश के पानी से बिल्ली को बचा दिया, उसे समझ लें कि उसे जो है ना साफ़ किया, अंदर साफ पानी से, गर्म पानी से उसे नहलाकर जरासीम दूर करके, फिर उसे जो है अपने मतलब तौलिए में, जो तौलिया होता है घर का बाल वगैरह खुश करने के लिए, उसमें जो है उसने ढक दिया, और ठंड लग गई उसको तो अंदर हीटर वगैरह लगा दिया। तो अल्लाह पाक ने उसके अगले पिछले सारे ही गुनाह माफ़ कर दिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक नेकी में हिस्सा मिलाने का ज़रिया है। अल्लाह ताला किसी की भी नेकी को किस तरह पसंद करते हैं वो मेरा रब ताला ही जानते हैं। दोस्तों, सफ़ेदी के लिए और गंजेपन के लिए एक शानदार नुस्खा, बेहतरीन नुस्खा आप दोस्तों के लिए, ऐसा नुस्खा कि घरेलू भी है और रिज़ल्ट इसके 100% रिज़ल्ट है। मेरे भाई, आपने करना क्या है, जिनके बाल कम हैं, घने नहीं हैं, गिरते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ों को मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट बालों के लिए भी और गंजेपन के लिए, बहुत शानदार रिज़ल्ट हैं इसके। आपने प्याज का पानी 1 कप निकाल लेना है, जहाँ से आप जूसर मशीन से गाजर का, सेब का निकालते हैं, अर्क ऐसे निकल जाएगा। लहसुन का जो है हो सकता है ना निकले, क्योंकि वो छोटे होते हैं, निकल भी जाते हैं, मोटे होंगे तो निकल जाएगा, तो वो आप जो है ना दोस्तों कोशिश करें कि देसी लहसुन लें, चाइना वाला ना लें, रिजल्ट लेने दो। तो अगर वहाँ से जूसर मशीन से अगर उसका अर्क ना निकले, तो कूट के उसको कपड़े में निचोड़ेंगे तो पानी उसका जो है ना कपड़े के निकल कर वो कप में आ जाएगा। 1 कप वो ले लें आप, और 1 कप अदरक का पानी, वो ग्राइंडर मशीन से, जूसर मशीन से निकलाएगा, अदरक का और प्याज का इजी निकलाएगा, और प्याज का सॉरी आपको प्याज का अदरक का वहाँ से इजी निकल जाएगा जूसर मशीन से, और लहसुन का जो है वो कूट के निकाल लेंगे। एक जगह इनको रख लें तरीके से, आप इसको थोड़ा सा किसी भी पतीली में गर्म कर लेना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो क्यों। उसको गर्म करने से ये जो आप लहसुन, अदरक और प्याज का जो पानी निकालेंगे, इसको गर्म करने से ये फ़ायदा होगा कि ये कुछ दिन ख़राब नहीं होगा, नहीं तो बदबू छोड़ देते हैं या वो मतलब अजीब सी स्माइल आती है। तो ये जो है ना दोस्तों, आप करके और हल्का सा 2 मिनट रख लें, गर्म हो जाएगा, उसके बाद उतार लें, ठंडा होने पे उसे किसी बाटल में महफूज करें, और ढक्कन ऐसा हो कि ऊपर सुराख कर दें थोड़ी सी, ताकि वो
हवा भी लगती रहे उसे। ये तो आपका हो गया आपका एक प्रोसीजर, और आपने इसको करना क्या है कि रात को जो है ना आप 1-1.5 घंटे के लिए इसे लगा दिया करें बालों के जड़ों पर, जो बालों को मजबूत करना चाहते हैं या बाल वाइट हैं आपके, मजबूत नहीं हैं, बार बार गिरते हैं, घने नहीं हैं, तो वो जो है ना इस बालों की जड़ों पे लगा दिया करें। 1 चम्मच ले लें, जितने बाल हैं सर है आपका उसके हिसाब से सारी जड़ों पे 1-1.5 घंटा लगा के तो फिर उसे आप वाश कर दिया करें, ठीक है जी। और सुबह जो है ना आपने अपने सर पे जो रोगन लगाना है वो है आंवला, आंवले का रोगन और स्या तिल इसका रोगन, ये दोनों तेल रोगन बराबर वजन ले लें आप, ठीक है, आधा पाव ले लें आप, काफ़ी हो जाएगा, दोनों को मिलाकर एक बाटल में रख लें। ये सुबह को जो है ना आप इसका मसाज किया करेंगे, सुबह को बालों को मजबूती के लिए, बाल वाइट के लिए, बाल खने करने के लिए, ठीक है दोस्तों, और बालों से खुश्की वगैरह जो है वो सब ठीक हो जाएगी। और गंजेपन के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, सर मंडवाना होगा आपने, मौसम तो खैर ठीक हो गया, अभी सर मंडवाएं, उल्टा उस तरह फिरवाएंगे, यूं इस तरह यूं। और दोस्तों आपने जो आपको पहले जो हम बता चुके हैं जो 3 जो हैं जिनका रोगन आपने निकाला है, प्याज का, लहसुन का, अदरक का, गंजे जो भाई हैं वो बाल मंडवा कर इसका 1 चम्मच लेकर फैला लें और अच्छी तरह मसाज करें इसे अच्छी तरह, ताकि वो जो है अंदर से जो है वो जो मिसाम बंद है वो खुल जाए। 1/2 घंटा लगा लें, काफ़ी है, 1/2 घंटा लगा के छोड़ दें, तो उसके बाद जो है आप सर वाश कर लें, आप धो लें सर को। और वो हमारे भाई जो है वो भी ऑयल जो है लगाएंगे जो हमने पहले बताया है, उसका भी मसाज करेंगे सुबह को, जो दूसरों के लिए हमने बताया है आंवले का, और दूसरा जो हमने आपको बताया है दोस्तों स्या तिल का, ये भी आप इस्तेमाल करेंगे। गंजे हमारे जो भाई हैं वो रात को 7 अदद बादाम भिगोएंगे और सुबह छील के खाएंगे। ये गंजों के लिए मैंने अलग से प्रोसीजर बताया है, सिर्फ बादाम इजाफा हुआ है उनके लिए, बाकी उनका तरीका दवाइयाँ वही हैं, लगाने वाली वही दवाइयाँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें एक भलाई के लिए, नेकी के लिए, ताकि गंजे के सर पे बाल आ जाएंगे दोस्तों, वो आपके लिए भी दुआ करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, जीते रहें।